हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो आज बात करते हैं, इतना बड़ा इंसिडेंट बिग बॉस के अंदर हो गया है, अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मार दिया है। अब जो है ये चीज चल कैसे रही थी, कल जो है जब वीकेंड का वार हो रहा था तब अनिल कपूर के साथ साथ पायल मलिक भी आई। पायल मलिक ने एक चीज बोली, एक टॉपिक उछाला कि विशाल ने तलब कटारिया के पास बैठ के ये बात की थी कि भाभी मुझे बहुत भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, जबकि विशाल ने कहा कि मैंने ये शब्द बोला था कि भाभी बड़ी खूबसूरत लगती है, और ये मैं अच्छे वे पे बोल रहा हूँ, मैंने गलत वे पे नहीं बोला था, लेकिन भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब एक कहते हैं ना एक पॉइंट या एक कॉमा या फुल स्टॉप से जो पूरा शब्द और उसका अर्थ चेंज हो जाता है, वो चीज चेंज हो गई। और उसने इस चीज को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, ये मुद्दा बहुत ही गलत था। क्लियर, एक तो सबसे बड़ी बात है अनिल कपूर को वो फुटेज दिखाई ही नहीं गई थी जिसमें साफ साफ जो विशाल बोल रहा था कि भाभी बहुत खूबसूरत लगती है मुझे, और ये मैं अच्छे वे पे बोल रहा हूँ, इसने ये भी कान में जो कहा था वो माइक में आ गया था सामने, लव कटारिया के कान में जो कहा था वो माइक में आ गया था। पहले तो बिग बॉस पे नियम था ना कि अभी भी होगा कि थप्पड़ मारा तो वायलेंस जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, अगर किसी को थप्पड़ मार दिया, हाथ लगा दिया, हाथ उठा दिया तो उसको तुरंत घर से बाहर निकाल देते हैं। इससे पहले इंसिडेंट हुए हैं बिग बॉस पे, नया तो है नहीं। अगर किसी ने वायलेंस किया है तो उसको तुरंत घर से गेट दरवाजा खोल के उसको बाहर निकाला गया है। आज के एपिसोड में पता चलेगा कि अरमान को उसके किए की सजा मिलती है कि नहीं मिलती है। अरमान विशाल के घर वालों ने इसीलिए पब्लिकली माफी की मांग की है, उन्होंने कहा आगे जो होगा ये, वरना ये मुद्दा और उठेगा और वो होगा, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, गलत के साथ हम कभी नहीं खड़े होते हैं। इस हिसाब से इनको माफी मांगनी चाहिए अरमान मलिक को, और बिग बॉस को भी इसको बाहर निकाल देना चाहिए, तब इंडिविजुअल जो है वो कृतिका मलिक कैसे सरवाइव करती है बिग बॉस पे और कैसे इस गेम को आगे बढ़ाती है ये समझ में आएगा, और कृतिका मलिक की जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो सामने आएगी। बहुत लोग कमेंट में लिख भी रहे हैं, बहुत लोग इस चीज पे कर रहे हैं, क्यों जब कृतिका मलिक को शादीशुदा अरमान मलिक अच्छा लग सकता है तो कृतिका मलिक शादीशुदा को कोई किसी और को क्यों नहीं अच्छी लग सकती है, जब वो कह रहा है कि वो उसने गलत वे पे नहीं बोला था, फैमिली उसकी देख रही है, उसकी फैमिली बोल रही है, एक नहीं चार चार बार चला के उस क्लिप को चला के देखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि इसमें ऐसी कोई बात होती तो हम भी अगेंस्ट खड़े होते, क्योंकि बहने हैं भैया घर पे, बहने माँ बहने जिनकी वो इस तरह की चीजों पे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी पायल मलिक ने इस मुद्दे को बनाया। पायल मलिक जब से बाहर निकली है वो अपनी कमी और अपनी चीजें उजागर करने के बजाय दूसरों पे ही ब्लास्ट होती नजर आ रही है, चाहे वो शिवानी कुमारी हो, फिर वो राखी सावंत हो गई, अब इस पे हो गए, तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। अब देखते हैं आज का एपिसोड कि बिग बॉस ने अरमान मलिक को घर से बेघर किया कि नहीं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा।